पेश आए। इस प्रोग्राम रखने के पीछे मंशा इंटेंशन ये था कि भाई दिल्ली से दिल्ली तक कुछ लोग बुरे काम करकर माहौल खराब करना चाहते हैं, लेकिन उसकी झलक हमारे जलगांव तक भी पहुंची है। उस दिन में आपने देखा होगा भारत में चौक के नाम के ऊपर से या और कुछ झगड़े के ऊपर से फिसाद होता है, कोई बेकसूर लोग मारे जाते हैं। अब इसका इतिहास इसका निषेध करते हैं, लेकिन इस चीज को रुकना चाहिए। इसके लिए आज हमने धर्मगुरु लोगों के माध्यम से आप लोगों तक ऑनलाइन ये मैसेज पहुंचे, साइलेंट वाला मोबाइल नहीं सब लोग बराबर मेहरबान, तो ये पहुंचाने वाले दोस्तों आपस की अदावत को भुला क्यों नहीं देते, आपस की अदावत को भुला क्यों नहीं देते, एक सिलसिला ऐसा भी चला क्यों नहीं देते। बेकस वो बेबस तुम्हें समझा है जहां ने, बेकस वो बेबस तुम्हें समझा है जहां ने, तुम क्या हो जमाने को दिखा क्यों नहीं देते। दोस्तों आज हमें ये वक्त आ गया है कि हमें ये दिखाना चाहिए कि बेबस और बेकस नहीं है, हम लड़ सकते हैं, इंसान के लिए जड़ लगा सकते हैं, हम ध्यान कर सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं इंसान को बचाने के लिए। तो दोस्तों आज हमारे धर्म लोगों को मार्गदर्शन करेंगे, हमें तो बहुत वन टू थ्री वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम सब एक है, हम सब एक है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, राष्ट्रीय एकात्मता जिंदाबाद, राष्ट्रीय एकात्मता जिंदाबाद। मनुष्य कैसा व्यवहार करना है ये खुदा हमें सिखाता है। तीसरी बात, क्यों प्रॉब्लम है? खुदा ने जमीन बनाकर हमें दिया और आज लोगों ने उसमें लकीर खींच ली है। तेरा देश मेरा देश, तेरा जगह मेरा जगह, तेरा बॉर्डर मेरा बॉर्डर, बॉर्डर के नाम से झगड़ा, शांति कहाँ? आज शांति के लिए बड़े बड़े हथियार खरीदे जा रहे हैं, क्या वो हथियार शांति लाएगा? वो झगड़ा के लिए है। प्रियो, खुदावंद हमें झगड़े के लिए नहीं, हमें शांति लोगों के बीच में लाने के लिए। परमेश्वर लोगों से प्यार करता है, परमेश्वर आपसे और हर इंसान से प्यार करता है। परमेश्वर की अगर साइज की बातें कही जाए तो यर्मिया ऐसा ही भविष्यवक्ता वन टू थ्री हम सब एक है, हम सब एक है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, राष्ट्रीय एकात्मता जिंदाबाद, राष्ट्रीय एकात्मता जिंदाबाद।